क्या आप नियमित वॉकिंग करते हो, रनिंग करने जाते हो, या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होते हो, क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, टेबल टेनिस या फिर लॉन टेनिस खेलते हो, और आप अपने शरीर को अलग अलग मस्कुलर इंजरी, जॉइंट पेन और जॉइंट आर्थराइटिस से बचाना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसी वार्म अप एक्सरसाइज सिखाने वालों को, जिनको आप अलग अलग एक्टिविटी से पहले कर लेते हो तो आप अपने शरीर को यह अलग अलग मस्कुलर इंजरी, जॉइंट पेन, जॉइंट आर्थराइटिस से बचा सकते हो। कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, इनके पहले आपको वार्म अप करना और ये एक्टिविटी खत्म होती है इनके बाद कूल डाउन करना बहुत ही जरूरी होता है। वार्म अप क्यों करना होता है? वार्म अप करने से जो भी मसल हमारा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होने वाला है वह पहले से रेडी हो जाता है, वहां पर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, वहां पर हीट पैदा होती है, न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए वह मसल अपना काम एक्टिविटी में अच्छी तरीके से कर पाता है। इंजरी होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं, इसलिए हमें एक्टिविटी से पहले वार्म अप करना बहुत ही जरूरी होता है। हमारे शरीर के हर एक मसल को वार्म अप कराना होता है। वार्म अप हमेशा डिस्टल टू प्रॉक्सिमल करना होता है, यानी कि डिस्टल जॉइंट को पहले कराना है, धीरे धीरे फिर ऊपर आपको आना है, ऊपर के जॉइंट को वार्म अप कराना है। वार्म अप हमेशा डायनेमिक करना होता है, यानी कि जो भी मसल को हमें वार्म अप कराना है उनको इस तरीके से रिपीटेडली बार बार मूवमेंट स्पीड में देनी होती है। तो यह वार्म अप एक्सरसाइज प्रोग्राम को डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर दिनल। यहाँ पर शुरुआत में हमें एंकल जॉइंट को एक्सरसाइज करानी है, इस तरीके से फुट को ऊपर नीचे 10 से 15 बार करना है। इनके बाद फिर हमें फुट को रोटेट करना है, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, दोनों साइड पर हमें यह एक्सरसाइज कर लेनी है। इनके बाद फिर हमें हील रेज करना है, एडी को ऐसे ऊपर नीचे करना है, 10 से 15 बार करना है। इनके बाद आता है नी जॉइंट, इस तरीके से लेग को पीछे की साइड पर हमें बेंड करना है, सीधा करना है, दोनों साइड पर 10-10 बार हमें करना है। इनके बाद फिर हमें हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच देना है, लेग को आगे लेना है, फुट को आगे से उठा देना है, हील के ऊपर वेट लेना है, और हमें इस तरीके से हिप में से आगे बेंड होना है और नी को स्ट्रेच करके इस तरीके से आगे झुकना है। इनके बाद फिर हमें क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रेच देना है, लेग को पीछे की साइड पर पकड़ लेना है और फिर हमें ऐसे लेग को हिलाना है पीछे की साइड पर, तो यहाँ पर थाई के आगे की साइड पर आपको स्ट्रेच फील होगा। इनके बाद फिर हमें पेंडुलम एक्सरसाइज करनी है, ऐसे लेग को आगे पीछे मूव करना है 10 से 15 बार दोनों साइड पर। फिर हमें साइड पर लेग को ऐसे मूव करना है, ऐसे साइड पर लेग को हिलाना है। इनके बाद फिर हमें पवन मुक्तासन खड़े होके करना है, लेग को ऐसे खींच के चेस्ट की डायरेक्शन में ऊपर उठाना है, दोनों साइड पर हमें मिलाकर 20 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमें ग्लूट मसल को स्ट्रेच देना है, ऐसे लेग को बेंड कर देना है और फिर ऊपर उठाना है, दोनों साइड पर हमें बारी बारी ऐसे ऊपर नीचे करना है, 10-10 बार आपको करना है। इनके बाद फिर हमें स्पाइन को स्ट्रेच देना है, तो यहाँ पर शुरुआत में स्पाइन रोटेट करना है हमें, इस तरीके से दोनों साइड पर हमें बॉडी को घुमाना है, जितना हो सके उतना पीछे आपको घूमना है। इनके बाद फिर हमें साइड फ्लेक्शन करना है, ऐसे बॉडी को साइड पर झुकाना है, दोनों साइड मिलाकर 20 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमें एक्सटेंशन करना है, इस तरीके से बॉडी को पीछे की साइड पर हमें झुकाना है, पीछे आते हो तो ब्रीथ इन करना है, फिर थोड़ा सा आगे आइए, इस तरीके से पीछे जाइए, ब्रीथ इन, फिर आगे आना है। इनके बाद फिर हमें स्पाइन फ्लेक्शन करना है, दोनों लेग को ऐसे स्प्रेड कर देना है। इनके बाद हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, ऊपर उठा के ब्रीथ इन करिए, फिर बॉडी को आगे झुकाना है, आगे आपको जितना हो सके उतना नीचे लाना है और हाथ को धीरे धीरे पीछे लेते जाना है। यहाँ पर इस तरीके से ब्रीथ आउट करना है, वापस से ऊपर लाइए, ऊपर ब्रीथ इन, फिर बॉडी को आगे झुकाइए, आगे झुकाते वक्त धीरे धीरे हाथ को पीछे लेते जाना है और ब्रीथ आउट करते जाना, इस तरीके से आपको 10 बार करना है। इनके बाद फिर हमें फ्लेक्शन विथ रोटेशन करना है, इसी तरीके से दोनों लेग को स्प्रेड कर देना है और फिर हमें बॉडी को आगे झुकाना है और अपोजिट हैंड और फुट को टच कराना है, इस तरीके से अपोजिट हैंड और फुट को टच करना है, दोनों साइड मिलाकर हमें 20 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमें स्पाइन एडजस्टमेंट करना है, इस तरीके से आपको हैंड और लेग को अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट देना है, थोड़ा सा आपको जर्क देना है ताकि जो स्पाइन में
स्टिफनेस होगी वह चली जाएगी। इस तरीके से आपको दोनों साइड मिलाकर 20 रिपीटेशन करना है। इनके बाद आता है हमारा शोल्डर जॉइंट। तो पहले आपको शोल्डर रोटेशन करना है क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। इनके बाद फिर एयर कटिंग करना है। इस तरीके से चेस्ट के आगे हमें हाथ को बेंड करके ऐसे जितना हो सके उतना पीछे स्ट्रेच देना है, 10 बार आपको करना है। फिर आपको पेक्ट स्ट्रेच करना है, पेक्टोरल मसल को स्ट्रेच देना है। पाम को सामने की साइड रखना है और बॉडी के बाजू पर हाथ को ऐसे खींचना है। इनके बाद फिर हमें ऑब्लिक डायरेक्शन में हाथ को पीछे की साइड स्ट्रेच देना है, फिर दूसरी साइड ऑब्लिक डायरेक्शन में हाथ को पीछे स्ट्रेच देना है। इनके बाद फिर हमें हाथ को कमर के पीछे पकड़ लेना है और हमें पीछे की साइड हाथ को उठाना है। इस तरीके से शोल्डर को स्ट्रेच देना है, 10 से 15 बार आपको करना है। इनके बाद फिर आता है हमारा नेक जॉइंट। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से गर्दन को आगे पीछे 10 से 15 बार करना है। फिर हमें गर्दन को बाजू पर झुकाना है, दोनों साइड पर मिलाकर 20 रिपीटेशन करना है। फिर गर्दन को साइड पर घुमाना है, दोनों साइड पर 10-10 बार घुमाना है। फिर हमें 360 डिग्री रेंज में गर्दन को ऐसे धीरे धीरे घुमाना है। अगर आपको गिडीनेस हो रहा है तो यह एक्सरसाइज आप अवॉइड कर सकते हो, या तो फिर आंखें खुली रखे यह एक्सरसाइज करिएगा धीरे धीरे इस तरीके से क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स गर्दन को घुमाना है। तो यहाँ पर हमने जो वार्म अप एक्सरसाइज आपको सिखाई, इनको अगर आप एक्टिविटी से पहले कर लेते हो तो आपको मस्कुलर इंजरी, जॉइंट पेन, जॉइंट आर्थराइटिस होने के चांसेस कम से कम हो जाते। तो आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कोई भी एक्टिविटी करो इनसे पहले 5-10 मिनट वार्म अप जरूर कर लीजिएगा। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।